मैं तो ये कहता हूँ कि जिंदगी तन्हा तुम्हारी कटने वाली, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि जिंदगी तन्हा तुम्हारी कटने वाली है, आगे बढ़ के पीछे ये तो हटने वाली है। कितनों को अपनी कविता से पागल बना दिया और तुम समझ रहे हो लड़की पटने वाली है। एक ही बात कहती हूँ जी कि दिल देंगे किसी नेक को, आहा, वो भी किसी एक को, आहा, आपकी तरह नहीं है जो रेवड़ियों की तरह बांट दे हर एक को। भाई बहुत शानदार। ओ रंगीले रसिया, एक दिन में 6-6 कमीज उतार रहे हो, सच सच बतला दो इस उम्र में किस पे लाइन मार रहे हो। अरे बल्लो एसी छोड़, बाहर निकल के देख कितना बहाना पड़ता है पसीना, और तू समझती हमें लुच्चा लफंगा कमीना। चेहरे की रौनक पढ़ लेती हूँ तत्काल, 25 बरस हो गए सब जानती हूँ, पसीने की आड़ में कौन से अरमान रहे हो निकाल। अरे बल्लो तेरे दिमाग में शक्का कीड़ा क्यों कुल बुलाया है, जब से तुमने मोबाइल में यूं 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 वाला खतरनाक लॉक जो लगाया है। अरे बल्लो वो लोग तो तेरी औलाद की वजह से लगाया है, वो मोबाइल पर गेम खेलते खेलते सो जाती है, मेरे इंपॉर्टेंट फोन आने होते हैं और मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। अच्छा वही इंपॉर्टेंट फोन जिनके लिए रात 2-2 बजे तक जागते हो और जैसे ही फोन आ जाए उठाकर वॉशरूम में भागते हो। अरे बल्लो वो इम्पोर्टेंट फोन मेरे दोस्तों के आते हैं, हम अपनी अपनी पत्नियों के अत्याचार एक दूसरे को सुनाते हैं। सर क्या बताऊं, अत्याचार तो ये पति हम पत्नियों पर करते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कल्लू मिस्त्री के नाम से फीड कर लाते हैं और सारे सारी चैट डिलीट करके हमारे पास आते हैं। अरे बल्लो तू क्यों अपने भोले भाले पति पर इल्जाम लगाती है। इल्जाम क्यों ना लगाऊं, सब जानती हूं वो शांताराम नहीं शांति है जिसकी रोज सुबह मिस कॉल आती है। अरे बल्लो वो बिचारी तो मुझे मिस कॉल मार के सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जगाती है। बाहर में गई मॉर्निंग वॉक, वो रोजाना सुबह तुम्हारी गाड़ी में बैठकर तुम्हारे साथ ऑफिस क्यों जाती है। हे भगवान, इस बल्लो को सारी खबर कैसे हो जाती है। खबर खबर तो तब होगी जब उसकी टांग टूटेगी, तब वो तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में जाने से छूटेगी। अरे बल्लो वो मेरे ऑफिस में ही है और वो मेरी कितनी केयर करती है। क्या खा केयर करती है, अपना लाया खाना भी तुम्हारे साथ शेयर करती है। इस बल्लो की आंखों में क्या कैमरे फिट हैं जो इसे ऑफिस का सारा हाल दिख जाता है। भाभी जी जब पति पत्नी के खाने में नुक्स निकाले तो समझ जाना चाहिए कि वो निकम्मा किसी कलमुई के हाथ का खाता है। मैं तो बल्लो मैं तो दुखी हो गया हूँ और इस अब तो मैं चाहता हूँ कि तेरे हाथ के खाने से तो अच्छा है मैं उपवास ही रख लूँ। अच्छा तुम्हें मेरा खाना बेस्वाद नजर आता है, जाकर उस शर्मा से पूछो जो हर संडे पराठे खाने मेरे घर चला आता है। शर्मा जी का क्या है, वो तो कुआरा है, रोज ऑफिस में आंखें सेकी आता है, संडे को छुट्टी होती है इसलिए पराठों के बहाने पड़ोसियों के आ जाते हैं। और वो मल्होत्रा जो रोज कहता है कि वाह बल्लो भाभी क्या खूब बनाती हो तुम पास्ता। मल्होत्रा हाँ? उसे तो 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, वो तो भोजन के लिए रोज नई नई मुर्गी तलाशता। अच्छा तो तुम्हें मेरा खाना बेस्वाद नजर आता है तो जाओ खाना बनाने के लिए नौकर रख लो। अरे बल्लो उस काम वाली रीटा के हाथ चूमने का मन करेगा, बस एक बार उसके हाथ का खाना चख लो। हे भगवान ऐसे पतियों से कोई कैसे पार पाए, अभी तक तो मैं शांति बाई से परेशान थी, अब ये रीटा का भी चखिया है। अरे बल्लो तो क्यों इन बेचारियों पे करती है शक, ये सब तो है मेरी बहुत बड़ी प्रशंसक। काहे की प्रशंसक, सब जानती हूँ तुमने 4 दिन पहले झूठ कहा था कि किसी चोर ने तुम्हारी पॉकेट उड़ाई है, हकीकत तो ये है कि तुमने उस कलमुई को सोने की चेन दिलवाई है। लगता है मेरा ये प्रेम प्रसंग भी छूटा, पर हे भगवान ये सोने की चेन का भांडा कैसे फूटा। भला हो बांके बिहारी का
जो घर आ गया कुरियर वाला, वरना कैसे पता चलता इस घोटाले का गड़बड़ झाला। मैं तो सिर्फ मोबाइल नंबर देख के आया था दीपक जी, मैं तो सिर्फ मोबाइल नंबर देख के आया था। मुझे तो मोदी जी ने मरवा दिया और सब कुछ आधार से जोड़ के हमारे जैसे पतियों का कुंडा करवा दिया। खबरदार, उनको कुछ नहीं कहना। वो बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं जिनके कारण देश तो आगे बढ़ ही रहा है, तुम्हारे जैसे भ्रष्टाचारी पति भी पकड़े जा रहे हैं। इस आधार के कारण मेरे सारे किए कराए पर फिर गया पानी। गलती हो गई बल्लो, माफ कर दे, दोबारा नहीं होगी ऐसी नादानी। अब वृंदावन में सबके सामने कह रहे हैं तो क्या माफ कर दूं? अब नहीं करोगे? ना, बिल्कुल भी नहीं। पक्का? पक्का मेरी माँ, पक्का। पैर पकड़ूं? वो तो रोज ही पकड़ते हो, कोई नई बात करो। देखो, अगर आप सुधर गए तो फिर मुझे भी रानी लक्ष्मीबाई नहीं बनना पड़ेगा, और तुम्हें पकड़ने की खातिर फेसबुक पर कभी प्रियंका तो कभी मेनका नहीं बनना पड़ेगा। जान बची सो लाखों पाए, लौट के रसिया घर को आए। बहुत शुक्रिया। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाओं के पास एक आयुर्वेदिक फार्मूला होता है जिसके आधार पर वो अनेक बीमारियों का, रोग का निवारण कर सकती है। एक तो कह रही थी, बोले तबीयत खराब थी, एक दिन मुझे कहा कि तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, फोन करके आधा घंटा सास से लड़ी तब जाके थोड़ा आराम आया। एक महिला तो जबरदस्ती अपने पति को दशहरा दिखाने लगी और जब रावण को जलाने लगे तो बोली, ध्यान से देख लो दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर डालने का क्या परिणाम होता है। मैं तो विनोद से पूछ रहा था, विनोद भाई पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं? विनोद बोला, पत्नी को संस्कृत में तो छोड़ो, किसी भी भाषा में कुछ नहीं कह सकते। जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। और मैं दिमाग की ताकत आपको बताना चाहता हूँ, ये दिमाग सबके पास नहीं होता, दिमाग की ताकत होती है 2.5 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर है 1000 टेराबाइट और 1 टेराबाइट बराबर है 1000 GB, यानी 16 GB की मेमोरी कार्ड वाले लगभग 56,000 पेन ड्राइव और इतने भारी भरकम दिमाग को खराब करने में पत्नी को आधा मिनट भी नहीं लगता। और अगर सरदार नहीं हो तो मामला और भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो हमारी बलजीत कौर तन्हा जी हास्य के लिए जानी जाती हैं, पूरे देश में जाती हैं। मैं उन्हें 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि भारत का कणकण जन्नत है, भारत का कणकण जन्नत है, एक नजर तुम करो जरा, किसी कसौटी पर भी कस लो 24 कैरेट शुद्ध खरा, और रंग सैकड़ों चमके दमके रंग बिरंगी दुनिया में, 3 रंग बस मुझको भाते केसरिया संग श्वेत हरा, 3 रंग बस मुझको भाते केसरिया संग श्वेत हरा। 3 रंगों का प्रतिनिधित्व करती, जोरदार तालियों से बलजीत कौर तन्हा जी को सुनो। मुझे नहीं पता था कि ताड़ का वध सबसे आखिरी में होगा। लेकिन उसी ने कराया जो कुछ देर पहले आपका पति था। आप लोग तो तालियां ही बजा दो। एक्चुअली क्या है, होली आ गई ना, ब्रिज वाले हैं, इन्हें लठ बजाने की आदत पड़ चुकी। नहीं, इन सबको तो कोई ना कोई माला पहनाने भी आ जाता है, हमें तो जिसने एक बार पहनाई वो ही पछता रहा है। पर हम टेंशन लेते ही नहीं। अब इतनी पत्नियों की बात करे जा रहे हैं पर एक भी पत्नी को टेंशन हुई? अपन टेंशन लेते ही नहीं, टेंशन लेने की चीज ही नहीं है। और मैं तो उस खानदान से हूं कि हम तो देश की गद्दी पे चुपचाप बैठे रहे थे, हमने टेंशन नहीं ली। मैं तो सरदारों के खानदान से हूं, अपन तो 10 साल तक चुपचाप बैठे रहे थे, देश चल गया। तो अभी तो थोड़ा बहुत बोल लेंगे तो कवि सम्मेलन चल जाएगा। और टेंशन लेने की चीज ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कार लो, बंगला लो, लोन लो, निकल लो। काहे को टेंशन लेनी। वाह। और क्या, अभी ये सभी का सम्मान करा रहा था और बोल रहा था, प्रतीक भाई कह रहा कि मेले में पत्नी खो गई। अब पत्नी तो सबकी खो जाती है, मैं भी अपने पति की पत्नी हूँ, मैं भी खो गई थी एक दिन। और मेरे पति राम जी के मंदिर पहुंच गए, कभी गए नहीं, अचानक पहुंच गए, बोले राम जी पत्नी खो गई क्या करूं,
देखो जितना मर्जी लोग कह लें कि पत्नी बुरी बुरी, लेकिन है ना जब खो जाए तो पता तभी लगता है कि कहाँ गई। तो राम ये सच्चाई है सर, ताली बजनी चाहिए। जहाँ के मेरे पति लेट गए, बोले राम जी पत्नी खो गई। अब मेरे पति इतने दिल से उनके सामने दंडवत हो गए कि राम जी प्रकट हो गए। बोले पत्नी ढूंढ रहा है पर गलत मंदिर आ गया, मेरी खुद हनुमान ढूंढ के लाया था, वहीं चला जाओ। तो मस्ती में रहना चाहिए, टेंशन लेने की चीज़ ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल यही बात कहती हूँ कि टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी पिछले दिनों बेंगलोर जाना था, एयरपोर्ट पर हम गए, तो एयरपोर्ट पर क्या होता है कि 2 घंटे जल्दी बुला लेते हैं फ्लाइट से। तो हम बैठे हुए थे, मेरे आगे वाली सीट पर 2 बच्चे बैठे हुए थे, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा कि मेरा नाम जसप्रीत है, आपका नाम? दूसरा बच्चा बोला मेरा नाम ब्रह्मजोत। दोनों बच्चों ने हाथ मिलाया, बोला कहाँ रहते हो? बोला दिल्ली में साउथ एक्स में। दूसरे ने कहा हाथ मिला, मैं भी दिल्ली में साउथ एक्स में रहता हूँ। बोला साउथ एक्स पार्ट 1 या 2? पहला बोला साउथ एक्स पार्ट 2, दूसरा बोला अरे हाथ मिला, मैं भी साउथ एक्स पार्ट 2 में रहता हूँ। बोला मकान नंबर? बोला 3/3 सेकेंड फ्लोर। खड़ा हो गया दूसरा बच्चा, बोला मैं भी 3/3 सेकेंड फ्लोर में रहता हूँ। जैसे आप सबको टेंशन हो गई, वहाँ पर रसिक जी बैठे थे उनको भी टेंशन हो गई, और लोगों को भी टेंशन हो गई कि ये दोनों बच्चे। तो एक बंदा बोला बेटा तुम दिल्ली में साउथ एक्स में पार्ट 2 में 3/3 में सेकंड फ्लोर में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं। बच्चा बोला अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम दोनों तो भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और तालियां तो आप वृंदावन वाले इस बात पर बजाना कि वो दोनों बालक जसप्रीत और ब्रह्मजोत मेरे बेटे थे। रही बात, ये सब कहते हैं कि पत्नी पत्नी और ये, मेरे घर में क्या होता है, मैं तो जब घर जाऊं तो क्या हुआ, स्कूल से एक दिन घर गई तो देखा एक पड़ोसन गुजर गई और सारा मोहल्ला वहां इकट्ठा, पर लेकिन मेरे सरदार जी घर पर ही बैठे, मनुष्य शक्ल बनाए। मैं जल्दी से अंदर गई, भाई मुझे लगा ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं गए। सर बिल्कुल सुनिएगा, आपकी एनिवर्सरी है सर, मेरी भी अभी पिछले दिनों निकली, पर मैं तो सच्चाई बयान कर रही हूँ। अब मैं गई घर, मैंने कहा सरदार जी घर पर ही बैठे हो, मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कर आए। मैंने कहा सरदार जी घर पर ही बैठे हो, मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कर आए। बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। हमारे एक पड़ोसी हैं, एक तो पड़ोसी भी इतने बढ़िया है ना कि मैं कहती हूँ कि बस दृष्टिकोण बदल लेना चाहिए, बस आपको हाथ से वहीं मिल जाएगा। हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने बैंक से लोन लिया, कार ली, लेकिन किसी कारण से रिसेशन आया, उनकी नौकरी में तनख्वाह में कुछ कमी आई और बैंक के लोन की किश्त नहीं दे पाए, तो बैंक वाले आए और कार ले गए। कार पड़ोसी की गई, फिर मनुष्य शक्ल सरदार जी की। मैंने कहा सरदार जी कार पड़ोसी की गई, आप क्यों मनुष्य शक्ल बना के बैठे हो? बोले तू नहीं समझेगी। मैं कहा फिर आप ही समझा दो। बोले देख पड़ोसी ने लोन लेके कार ली। मैं बोली हाँ जी। बोले लोन की किश्त नहीं दी। मैं कहा हाँ जी। बोले बैंक वाले आए कार उठा के ले गए। मैंने कहा हाँ जी। बोले काश मुझे पहले पता होता, लोन लेके शादी करवाता और किश्त नहीं चुकाता। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई, पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे उठा ले, मैं कौन सी कम थी। मैंने कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, इसकी लगा ले। हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूजे से नहीं उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता। क्या बात है, वाह 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 वाह।